Hello students, welcome back. कल हमने बेसिकली पॉलिनेशन किया था एंड पॉलिनेशन के टॉपिक में वी हैव डन अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ पॉलिनेटर्स. आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. सी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होती है? जब पॉलन ग्रेन सिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो सी इट इज द प्रोसेस इन विच पिस्टल रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबल और इनकंपैटिबल पॉलन थ्रू द केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम. इफ द पॉलन इज कंपैटिबल the pistil accepts it and promotes pollination events. See, hame kaise pata chalega ki jo pollen grain aaya hai from the to the pistil of a flower wo same species ka hai ya wo compatible hai, kyunki same species ke pollen and pistil mein kuch type ke interactions hoti hai jo further फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को इनहांस करती है. इन द केस इफ द पॉलन ग्रेन इज नॉट कंपैटिबल तो वो क्या करता है, पिस्टल उस पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज नहीं होने के लिए देता है. ठीक है, अब आप समझ गए. इट इज द प्रोसेस इन विच पिस्टल रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबल और इनकंपैटिबल पॉलन थ्रू केमिकल कॉम्पोनेंट प्रोड्यूस्ड बाय देम. If the pollen is compatible means if the pollen is of right type, then if the pollen is of right type, then the pistil accepts it and promotes post pollination events. Now pollen grain have to germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. The contents of the pollen grains move into the pollen tube. The pollen tube grow through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. See, jab stigma ke upar aap ye dekh sakte ho yahan pe in this diagram. Look at this diagram. Pollen grains come. ठीक है, जब pistil ने pollen grain को recognize कर लिया and pollen grain further नीचे जाएगा, नीचे जाते जाते उसकी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है. एज यू कैन सी द पॉलन ट्यूब इज बिकमिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर विद टाइम एंड अल्टीमेटली इट इज रीचिंग द एम्ब्रियो सैक. ओके, द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी. इन दिस वे दिस इंटरैक्शंस वर्क. नाउ entry of the tube into the synergid is shown in the diagram A. As you can see that this tube is entering the synergid through the filiform apparatus. Discharge of male gametes into a synergid and movement of the male gametes one into the egg and other into the central cell. Now there are two male gametes, as we know. One moves to the egg cell and the next one moves to the central cell. Means there is basically double fertilization. Okay, as you can see, the entry of the male gametes is there through the filiform apparatus. Filiform apparatus is kind of apparatus which is for the directions of the male gametes to the central cell as well as egg cell. ठीक है, एक जो मेल गैमेट है इट गोज टू द सेंट्रल सेल एंड एक मेल गैमेट गोज टू द एग सेल एंड देयर इज बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस. सी, इफ द पॉलन इज इनकंपैटिबल द पिस्टल रिजेक्ट्स पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन. पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है? पॉलन ट्यूब का ग्रो करना. एंड अगर पॉलन ग्रेन एप्रोप्रिएट टाइप का नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब भी ग्रो नहीं कर पाएगी. ओके, इन द प्लांट्स व्हिच शेड पॉलन ग्रेन्स एट टू सेल स्टेज, मतलब एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में डिवाइड कर जाता है
to form the two male gametes. ठीक है, मतलब कि pollen tube में उसकी क्या हो जाती है, division हो जाती है basically mitotic division की help से. जो generative cell है वो दो male gametes में convert हो जाता है. Now in plants which shed their pollen in three celled condition, pollen tubes carry two male gametes from the beginning. जो two cell stage पे shed करते हैं उनकी जब pollen germination शुरू होती है तब male gametes बनने शुरू होते हैं. But in the plants who shed their pollen grains at three celled condition, उनके जो pollen tubes होते हैं वो दो male gametes बिगिनिंग से ही कैरी करते हैं, मतलब पहले से ही उनके पास दो मेल गैमेट्स होते हैं. नाउ पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी देन एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिक थ्रू द फिलिफॉर्म एपरेटस. नाउ इसने क्या बताया है, पोलन ट्यूब ओवरी के पास पहुंच गई, ओवरी में से माइक्रोपाइल. व्हाट इज द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इज द एंड ऑफ द ओव्यूल जहां पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होते. And integuments वहाँ पे absent क्यों होते हैं? So that the pollen tube is able to enter that from that point and then enters one of the synergid. Micropyles से वो synergids filiform apparatus के through पहुंच जाते हैं. पहले क्या आता है, micropyle, then आता है filiform apparatus, then आता है synergids. ठीक है, synergids के पास पहुंच गए. The filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of the pollen tube. Okay? Filiform apparatus का क्या काम है? Function of the filiform apparatus is to guide the pollen tube. तो ये था हमारा pathway जो male gametes लेते हैं while entering into the ovule. Now, a plant breeder can manipulate pollen pistil interaction even in the incompatible pollinations to get desired hybrids. A plant breeder can manipulate. Plant breeder कौन होता है? Basically the plant scientists, वो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी conditions के according, if they want to see the pollen pistil germination और वो चाहते हैं कि पॉलन जो है ट्यूब है किसी और साइड से जर्मिनेट करे, दे वांट टू ऑब्जर्व द फिनोमेनस, देन दे कैन अल्टर देयर थिंग्स एंड ये हाइब्रिड्स बनाने में भी डिजायरेबल प्रोसेस होता है. ओके, नाउ लेट अस कम टू द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. बेसिकली व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है कि हमने पॉलिनेशन करवानी है बट पॉलिनेशन हमने डिजायर्ड प्लांट्स में करवानी. तो उसमें क्या होता है, देखो इट इज अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों? क्योंकि उस क्रॉप में हमारे डिजायर्ड के जीन्स होंगे, हमारे डिजायर्ड के कैरेक्टर्स होंगे. एंड वो वाले पॉलन ग्रेन्स यूज होते हैं फॉर द पॉलिनेशन. ठीक है, पिस्टल मतलब पिस्टल कोई और हो सकता है एंड पॉलन कोई और हो सकता है. दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लावर के दैट आर हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस टेक्निक इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग टेक्निक्स दैट इज ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग. अब देखो एक चीज है, दैट वी हैव अ फ्लावर. Let me tell you this in a okay. Stop. ये मुझे आपको यहां पे बताना पड़ेगा. See, we have a flower. ठीक है, फ्लावर के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स है. अगर दो पार्ट्स भी नहीं है, we are having a unisexual flower. तो ई मैस्कुलेशन एंड बैगिंग क्या होता है? ई मैस्कुलेशन, देखो पहले वर्ड समझो. ई मैस्कुलेशन, मैस्कुलेशन वर्ड इज यूज फॉर बेसिकली मेल कैरेक्टराइजेशन, है ना. मेल के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको मैस्कुलेट कैरेक्टर्स बोलते हैं. मैस्कुलेशन जो मैस्कुलेशन वर्ड है दैट इज फॉर
मेल कैरेक्टर्स, ठीक है. ई का मतलब है नो, ई का मतलब है टू रिमूव, मतलब टू रिमूव द एंथर्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. देखो अगर हमारा फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है तो उसमें एंथर्स भी है एंड पिस्टल भी है. जिस पिस्टल को हमने फर्टिलाइज करना है उस पिस्टल को हमने प्रोटेक्ट करके रखना होगा ताकि उसमें कोई और पॉलन ग्रेन ना चला जाए. अगर कोई और पॉलन ग्रेन गलती से उसमें चला गया, ठीक है, अगर वो पॉलन ग्रेन उसके फ्लावर का हुआ फिर तो गड़बड़ होगी ही होगी. बट एनवायरनमेंट में और भी तो पॉलन ग्रेन होते हैं. समटाइम्स द पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट, हमें पता ही नहीं चलता कि पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, एंड कब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं हमें ये भी नहीं पता चलता क्योंकि पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन आवर एनवायरनमेंट. तो उस पिस्टल को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, ठीक है. ये चीज थी. लेट अस रीड अबाउट दिस. देखो as you can see, removal of anthers from the bisexual flower bud of female parent before the anther dehiscence. देखो अगर anther mature ही नहीं है तो उससे पहले ही उसको remove कर देंगे, उसको बोलेंगे emasculation. and remove हम क्यों कर रहे हैं, ताकि fertilization ना हो पाए, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं artificial hybridization करने के लिए, but अगर उसने खुद ही खुद से ही fertilization कर ली तो फिर हमारी जो हमारा जो experiment है वो fail हो जाएगा. Bagging. Here, emasculated flowers are covered with a suitable bag to prevent contamination of its stigma and unwanted pollen. देखो मैंने आपको बताया था ना कि पिस्टल है जो उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, उस पे हम क्या करते हैं बैगिंग कर देते हैं, उसको बैग कर देते हैं, उसके ऊपर एक बैग लगा देते हैं, सो दैट एनी पॉलन ग्रेन और एनी अदर फॉरेन सब्सटेंस उसको इन्फेक्शन ना कॉज कर सके एंड हमारा जो पिस्टल है बेसिकली वो प्रोटेक्टेड रह सके, ठीक है. When the stigma attains receptivity, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हर स्पीशीज की एक रिसेप्टिविटी पीरियड होती है एंड रिसर्चर बेसिकली जो बंदा काम कर रहा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे उसने ये सब पढ़ रखा है बहुत डिटेल में, तो उसको तो ये सब पता ही है कि कब रिसेप्टिविटी होने वाली है. जब हमारा स्टिग्मा बेसिकली या स्टिग्मा ओनली द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, हम मैच्योर पॉलन ग्रेन्स जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं वो वाले उसके ऊपर क्या करते हैं डस्ट कर देते हैं, डस्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल ब्रश और एनी अदर वे, ठीक है. एंड उसके बाद भी हम उसको रीबैग करते हैं बिकॉज इवन आफ्टर पॉलिनेशन देयर आर चांसेस कि बहुत सारे डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स जो है वो आके उसको फर्टिलाइज कर दें. अब हमारे डिजायरेबल वाले तो पॉलिनेट हो ही चुके हैं, बट फिर भी अगर अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स आके उसको उसके अंदर चले जाएंगे तो भी हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है खराब हो सकता है. इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. नाउ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में देखो ईमैस्कुलेशन वाला तो कोई चक्कर होता नहीं है, बट फिर भी हमें बैग करने ही पड़ते हैं, ठीक है. बैगिंग इज द यू नो एसेंशियल प्रोसेस जो करना ही पड़ेगा हमें इन द केस ऑफ पिस्टल. Now, what is double fertilization? हमें पता है कि दो मेल गेमीट्स हैं एंड दोनों मेल गेमीट्स क्या करेंगे फ्यूज करेंगे. एक मेल गेमीट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा एंड दूसरा जो मेल गेमीट है दैट विल फ्यूज विद द सेंट्रल सेल. तो हमारी जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पॉलन ट्यूब रिलीजेस two male gametes into the cytoplasm of the synergid. One male gamete moves towards the egg cell and fuses with the nucleus. Is process ko bolte hai syngamy. Syngamy is the process of forming of a fusion of male and female gamete to form zygote. ठीक है, zygote क्या होता है, हमेशा diploid होता है higher plants and animals का. Syngamy क्या होता है, syngamy होता है fusion of male and female gamete.
The other male gamete moves towards two polar nuclei or the central nuclei. या सेंट्रल सेल जो है बेसिकली उसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं. जो हमारा दूसरा मेल गैमेट है वो वहां पे जाता है, उसके साथ फ्यूजन करता है एंड वो क्या बना देता है, ट्रिप्लॉइड. देखो दो न्यूक्लियस तो उसके पास पहले से ही है, मतलब डिप्लॉइड तो वो पहले से ही है. एक मेल गैमेट जाके फ्यूज कर जाता है और मेल गैमेट की प्लॉइडी लेवल क्या है, दैट मेल गैमेट इज हैप्लॉइड. तो 2n प्लस n कितना हो गया, 3n. तो हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है दैट इज PEN, ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है. As it involves fusion of three haploid nuclei and it is called triple fusion. तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा important question है. What is double fertilization and triple fusion? Triple fusion is basically the word used for जब हमारे दो male gametes दो different cell को fuse करते हैं. एग सेल वाले को तो हम सिंगामी बोलते हैं टू फॉर्म द जायगोट. जायगोट अल्टीमेटली फॉर्म्स द एम्ब्रियो एंड द सीड्स, है ना. एंडोस्पर्म जो PEN होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट अंडरगोस ट्रिपल फ्यूजन बिकॉज इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियसेस एंड टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और PEN. Now, since two types of fusions, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, it is called double fertilization. It is an event that is unique only in the flowering plants. Only the flowering plants are able to exhibit double fertilization and triple fusion and syngamy, whatever. The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell. पहले क्या बनता है वो, primary endosperm nucleus, and nucleus is ultimately then converting into primary endosperm cell. और ये बाद में जाके fruit के अंदर endosperm बनाता है. Fruit के अंदर नहीं, basically the seed के अंदर, so that seed जो growing embryo को nutrition मिल सके. Zygote develops into an embryo. Zygote जो है हमारा वो embryo में convert हो जाता है. Now हमारी क्या होगी यहाँ पे fertilization हो. जो fertilization है that is double fertilization and triple fusion. ठीक है. अब हम post fertilization events के बारे में पढ़ेंगे. Post fertilization events में we are firstly going to read about endosperm development. Then embryo development, then conversion of ovules into the seeds and conversion of the whole ovary into the fruit. Kya ho jata hai? Endosperm hai, primary endosperm nucleus bana, usse primary endosperm cell bana. Endosperm cell se pura endosperm ban gaya, to endosperm ki development sabse pehle padhenge. Then hum padhenge zygote. Zygote is converting into the embryo. Embryo kya hota hai? Embryo seed ke andar present hota hai, jiski wajah se hamara new plant grow karta hai. Then जो ovules थे वो सारे seeds में convert हो जाते हैं fertilize होने के बाद. And जो पूरी ovary होती है ना, the ovary part of the carpel, that converts into the fruit. Okay? ठीक है, हम diagram में देख सकते हैं कि ये polar nuclei है and ये egg है. ठीक है, इन दोनों में क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई सेकेंड वाली डायग्राम में. थर्ड वाली डायग्राम में क्या हो रहा है, जो हमारा ऊपर वाला पोलर न्यूक्लियाई वाला है वो एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा है एंड नीचे एग वाला क्या फॉर्म कर रहा है, हमारा जायगोट. अल्टीमेटली द जायगोट इज कन्वर्टिंग, ये पर्पल वाला जो एनोटेट किया हुआ है दैट इज द एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है. दिस डार्क ग्रीन पार्ट इज द एंडोस्पर्म दैट इज surrounding the embryo. And ये जो हमारी ये सारी ovule है, ये वाली सारी ovule light green boundary वाली, that is the seed. And the orange boundary वाली क्या है, ovary है हमारी जो full into fruit convert हो रही है. Okay. Primary endosperm cell divides repeatedly to form triploid endosperm tissue. Endosperm cell है जो cell tissue form करता है. Tissue कैसे form करता है वो,
डिवाइड होने के बाद ओके कि वो डिवाइड करता रहता है लगातार एंड एक टिश्यू फॉर्म कर लेता है. Endosperm cells are filled with reserve food materials. They are used for nutrition of the developing embryo. जो भी embryo develop कर रहा है, उसको reserve food material endosperm cell दे रहे हैं. Because you know embryo is the baby, you know babies, what baby embryo basically plant embryo है जो उसको nutrition तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, जैसे एग में योग होता है, योग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी. ठीक है, वैसे ही एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट एम्ब्रियो टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन. ओके, इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो PEN है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन करता रहता है टू गिव फ्री न्यूक्लियर. दिस स्टेज इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर वेरीज ग्रेटली. एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन. फर्स्टली क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड करता रहता है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन करता रहता है. मींस ओनली द न्यूक्लियर डिविजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, दैट रिजल्ट्स इनटू मेनी फ्री न्यूक्लियर. एंड उस टाइप के एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियस बेसिकली न्यूक्लियर वेरीज ग्रेटली. वी डोंट नो हाउ मेनी न्यूक्लियस. उसके बाद जो एंडोस्पर्म है वो सेलुलर बन जाता है, मतलब कि पहले वो न्यूक्लियस डिवीजन करता है, उसके बाद वो सेलुलर बन जाता है आफ्टर डूइंग द आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन. अब जो कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है एंड देयर आर ओनली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म. मतलब जो उसका नारियल का पानी है दैट इज ऑफ फ्री न्यूक्लियस टाइप. एंड जो कर्नल, व्हाइट कर्नल ईटेबल पार्ट ऑफ द कोकोनट है दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म. मींस इट इज हैविंग सेल, वन सेल विद वन न्यूक्लियस, दिस काइंड ऑफ एंडोस्पर्म. एंड द कोकोनट वाटर इज ओनली ऑफ फ्री न्यूक्लियर टाइप, इज हैविंग नो सेल्स एंड ओनली न्यूक्लियसेस. नाउ embryo development. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac, where is the zygote situated. Micropylar end se hamara embryo development hona shuru hota hai. Dekho, this is the embryo sac after fertilization. Fertilization ke baad hamare jo synergids hain, they are degenerating. This is the PEN jo primary endosperm nucleus hai, and ye pura hamara primary endosperm cell hai. And ये वाले जो cells हैं, these are the antipodal cells which are also degenerating. अब ये बन गया हमारा zygote. Zygote क्या करता है? Most zygotes divide only after the formation of some endosperm. थोड़ा सा endosperm बनेगा, उसके बाद zygote formation होनी शुरू होएगी. So that जो embryo है उसको developing embryo है उसको nutrition मिल सके, क्योंकि उसने division करनी है. उसको division करने के लिए energy and nutrition चाहिए, जो nutrition एंडोस्पर्म उसको प्रोवाइड करेगा. इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स सीड डिफर ग्रेटली बट एम्ब्रियोजेनी इज सिमिलर. मतलब कि सीड की फॉर्मेशन चाहे डिफिकल्ट होती है, डिफरेंट होती है थोड़ी बहुत, बट स्टिल द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है दैट इज सिमिलर. सबसे पहले जायगॉट फॉर्म होता है, जायगॉट से हमारा प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है. दिस वन इज द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. एंड थोड़ी सी जायगॉट, थोड़ी सी डिविजन्स करने के बाद प्रो एम्ब्रियो फॉर्म करता है. उसके बाद हमारा एम्ब्रियो जो है ग्लोब्यूलर. ग्लोब्यूलर मींस दैट इट इज नॉट हैविंग एनी शेप, बेसिकली इट इज हैविंग अ सर्कुलर शेप एंड इट इज हैविंग अ सर्कुलर शेप एंड द सर्कुलर शेप इज देन कन्वर्टेड इनटू द हार्ट शेप एंड द हार्ट शेप एम्ब्रियो ultimately results into a mature embryo. Mature embryo ये वाला होता है, and this embryo is resembling a heart. This is a heart-shaped
embryo. Now, it has embryonal axis and two cotyledons. जो dicot embryo है उसके पास एक embryonal axis होता है, उसके पास दो cotyledons होती है. The portion of the embryonal axis, you can see this, that these are the two cotyledons and this one is the embryonal axis. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is called apicotyl. Apicotyl region कौन सा है? जो cotyledons के ऊपर है. And the region below the cotyledons is known as hypocotyl. And hypocotyl का last part होता है radical. Radical किसको? Root. Roots को जन्म देता है जब एक plant germinate कर जाता है. The root tip is covered with the root cap. Radical is the root tip and it is always having a covering, protective covering that is known as the root cap. Monocots में only one cotyledon होती है and cotyledons of grass family is called scutum, scutellum. जो scutellum है basically that is the single cotyledon of monocots. It is situated lateral to the embryonal axis. Embryonal axis के lateral side पे हमारा cotyledon present होता है. At its lower end, the embryonal axis has a radical and the root cap that is closed in the chloriaza. Chloriaza is an undifferentiated sheath that gives protection. Basically, protection देती है root cap को. ठीक है? अब यहाँ पे भी क्या होती है? Apocotyl and apicotyl. Apicotyl के अंदर होता है shoot apex and leaf primordia and उसकी जो covering होती है that is the cleopatyl. Now, see, monocots की जो seed होती है, basically, it is having two protective coverings. उसके cotyledon को तो बोलते हैं scutellum. Cleopatyl is the one that is covering the shoot apex, ठीक है, या apicotyl. And chloriaza, you can remember as chloriaza. There is R in the chloriaza, thus it is the covering of the root cap.